चित्तौड़गढ़ जिले के मंडपिया स्थित मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्ण तीर्थ स्थल सांवलिया धाम में श्रद्धालुओं भेंट दी जा रही दान राशि में अनियमितताओं का मामला सामने आया है। इसको लेकर स्थानीय निवासियों ने मंदिर मंडल के कुछ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। सांवलिया सेठ जो कि जन जन की आस्था का केंद्र है, जहां पर भ्रष्टाचार के आरोप लगना और उसके बाद सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी नहीं देने का मामला अब जोर पकड़ने लगा है, जो कहीं ना कहीं सवालिया सेठ मंदिर मंडल के लगे अधिकारी व कर्मचारियों पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। दुनिया भर के निमित्त है और विगत 6 महीनों से तो यह हाल है कि सिंगल टेंडर पर यह वर्क दे रहे हैं और उसमें भी लाखों का भ्रष्टाचार और 6 महीनों से तो इन्होंने कोई आरटीआई का भी कोई जवाब नहीं दिया। किस किस प्रकार की चल रही है टेंडरों में काफी करोड़ों रुपए की टेंडर दे रहे हैं, सिंगल को भी टेंडर दे रहे हैं, उसमें जो अफीम निकलती है इनका कोई रिकॉर्ड संतरण नहीं किया जा रहा है और अफीम खाने पीने में जारी है। सब नशे की आदत और लोगों की ज्यादा बढ़ रही है। खाने बहुत सारे मामले हमारे एसीबी में चल रहे हैं, लोकायुक्त में चल रहे हैं, सबको आगे तक दबा रखा है। और क्या रही है मेले में भी काफी खूब भ्रष्टाचार है। अभी आप देखो फूलों का श्रृंगार है, लगभग सुनने में आ रहा है 40 लाख रुपए इस पर खर्च किया जा रहा है जबकि इसमें कोई दम नहीं है। दानदाताओं का पैसा बिल्कुल व्यर्थ किया जा रहा है। कालू राम भैया, कालू की बात करें यहाँ की सांवलिया सीट में है और आपने क्या की है? शिकायतें तो हमने बहुत की है, यहाँ हर काम में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हो रहा है। अफीम ले लो, पैसों का ले लो, व्यवस्थाओं का ले लो, किसी भी मामले में देख लो सब अनदेखी है। का चढ़ावा आ रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। तोड़ना और बनाना, तोड़ना और बनाने के अलावा और कोई काम नहीं है इनके। अभी कुछ दिनों पहले गया था, ड्रोन उड़ाए गए थे, किस तरह की फिजूल खर्ची की? उड़ाने का नहीं, ये सिर्फ महज 50-60 लाख रुपए का ये मिसयूज हुआ है। उसका कोई 10 मिनट का कोई प्रोग्राम का कोई इतना पैसा लगता है? यहाँ पर अफीम उसका उपयोग होता है, अफीम आती है, श्रद्धालु जो काशकार है वो पैदा करते हैं, वो लोग अफीम यहाँ चढ़ा के जाते हैं, उस अफीम का दुरुपयोग हो रहा है। यहाँ कम से कम 5-50 तो कर्मचारी ऐसे हैं जो अभी अफीम के हैबिचुअल हो गए, और बहुत सारे ऐसे हैं जो ट्रस्टी वगैरह जो धंधा करने लग गए इनके परिवार के लोग, अफीम लेकर के इन बाहर इन लोगों को बेच रहे हैं और ना उसका कोई संधारण किया जा रहा है, ना उसका कोई सही उपयोग किया जा रहा है। सर गवर्नमेंट ने जमा करानी चाहिए, पहले भी गवर्नमेंट ने जमा होती थी आज दिन तक, लेकिन अभी ये जो बिल्कुल बंदर बांट हो रही है। बात की जाए आप भी देख रहे हो, आपके सामने है मेला है, लेकिन जन्माष्टमी से स्टार्ट करना चाहिए मेला, लेकिन मेले की व्यवस्थाओं के ऊपर इनका कोई ध्यान नहीं है। अभी कल से मेला स्टार्ट है और आज ये देख लो स्थिति, कोई मतलब कोई तैयारी नहीं है। कितना बजट के लिए मंदिर का? तो मेले का बजट है, मेले का बजट तो करीब 1 करोड़ के ऊपर है। अभी मुझे तो जांच किए नहीं, लेकिन ये लोग कह रहे हैं उसका पता लगाने के बाद ही पता चलेगा, तो कि वहाँ आरटीआई लगानी पड़ेगी तभी पता चलेगा कितने रुपए लगे हैं क्या क्या। बाकी मेले का प्रचार प्रसार इनको करना चाहिए, मेले का अच्छा प्रचार प्रसार करने से तो मेले को फायदा ही होगा और यात्री आएंगे तो गाँव